नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वन ऑफ द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे, सबसे बेहतरीन खबर आज के दिन की। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, इसको भी मैं दिखाई देता हूं। इसमें 10,000 से ऊपर ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। अब जिस भर्ती में 10,000 वैकेंसी आ रही है आज के टाइम पर, और उसमें भी बच्चा अगर मटरगस्ती में है, केवल यही देख रहा है कि किस में जाऊं, किस में नहीं जाऊं, किसकी तैयारी करूं, तो समझ लेना वो बच्चा फोकस्ड नहीं है। अगर एनर्जी जो आपके अंदर एनर्जी है दोस्तों, वो सही डायरेक्शन में रहेगी एनर्जी, तो वो लेजर लाइट के फोकस की तरह काम करते हैं, जिससे ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होते हैं। और जब आपके अंदर एनर्जी तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर एरोगेंस है, बेवकूफी है, या तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी आपकी एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आप हर चीज में इधर उधर जाते हैं, हर टाइम पर भटक जाते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो वॉल्केनो का काम करती है, वो फटती है, यानी वो स्वयं तो नष्ट होती है, बाकी आस पड़ोस को भी लेकर जाती है। ध्यान रखिए, बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे की, यानी आरआरबी की। दोस्तों एनटीपीसी की वैकेंसी निकलने वाली है, और दोनों कैटेगरी में निकलने वाली है। ये जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर वैकेंसी है ना, ये दोनों कैटेगरी में निकल रही है, यानी 12th वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी। जो अंडर ग्रेजुएट है, जो 12th पास है, उनके लिए ये वैकेंसी 3,000 से ज्यादा है, और जो ग्रेजुएट है उनके लिए ये 7,000 है, और 7,000 से भी कुछ ज्यादा, 300 कुछ, आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे दोस्तों, 10,000 से ऊपर ज्यादा वैकेंसी। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बढ़ जाए, ठीक है, इसके लिए मतलब बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, ये खबर आ चुकी है। बस मैं आपको एक चीज इत्तला कर देना चाहता हूं कि अब जीतेंगे पर इस टाइम पर, क्योंकि एसएससी जीडी का वो आने वाला है, 27 तारीख को फॉर्म है, तो हमने अपना कोर्स भी 11 रुपए का किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली इतनी हाई कट ऑफ की वजह से इस बार रह गए। कुछ टाइम में जैसे ही अगस्त, ये जुलाई खत्म होगा, 1 अगस्त से वो दोबारा से उसी रेट पर चले जाएंगे। ध्यान रखना आप दोस्तों, आरपीएफ का कोर्स जिन बच्चों ने ले रखा है ना, वो फोन करके टीम को ये बोल रहे हैं, सर हमने कोर्स बहुत जगह से लिए है, लेकिन हमारे फोन पर हमारे जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करके जितने भी आपके टीचर लोग हैं, जितने भी एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं, वो सभी सॉल्व करके दे रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी, हमारे एप्लीकेशन पर भी। दोस्तों इस तरीके का कोर्स सेटिस्फेक्शन मैंने तो नहीं सुना है, अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। कि आपका कोई भी प्रश्न है, आपने कॉल किया, अपना प्रश्न भेजा, वो व्हाट्सएप पर और एप्लीकेशन दोनों जगह पर आपको सॉल्व करके बताया जा रहा है, टेलीग्राम के रूप में भी। तो अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि रेलवे को वन ऑफ द बेस्ट जॉब कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, इसमें एक तरह से रेलवे में दामाद के नाम से जाना जाता है कि तुम तो रेलवे के दामाद हो, क्योंकि दोस्तों इसकी प्रोफाइल ही ऐसी है। केंद्र सरकार की नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो जबरदस्त तैयारी कीजिए, और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर हमारा कोर्स ले लीजिए या नहीं। अगर आपकी इच्छा है और आपको लगता है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप उसको जरूर अवेलेबल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है आरपीएफ के लिए, जिनका एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी। तो आप उनको जाकर वहां सर्च कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप जीतेंगे एप्लीकेशन को आज ही प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये 10,000 वैकेंसी है, इसमें कोशिश करिए कि आपकी नौकरी लग जाए। जिस बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिल रही है और वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना चाहता है, वो भी अब जीतेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करे। देर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेस आर देयर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं, और आपको गारंटी दिलाते हैं कि वो आपको जॉब दिलाएंगे विद इन 1 मंथ। आपका कोर्स खत्म होगा, 2 मंथ का, 3 मंथ का कोर्स है, उसके जस्ट 1 मंथ में यू विल गेट अ जॉब, दैट इज आवर श्योरिटी, आवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसमें आपको फ्री में थोड़ा सा आपका रिज्यूमे वगैरह, ये सारी सर्विसेज उसमें फ्री में मिलेंगी आपको, जो भी बच्चा अवेल करता है उस कोर्स, ठीक है दोस्तों। तो तैयार रहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए, और हमेशा तैयार रहिए एक बेहतर जॉब के लिए, हमेशा एक गजब की तैयारी रखिए, हमेशा डिसीजन मेकिंग अच्छी रखिए, निर्णय क्षमता अच्छी रखिए, कि हमको क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे और अपनी नौकरी को बहुत जल्दी सुनिश्चित कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन।